हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फुल बॉडी पेन, जिसको हम फाइब्रोमाइलजिया बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में, वो काफ़ी दूर दूर से, और उनकी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि सर मेरे पूरी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होता है। कभी इस हाथ में दर्द होता है, कभी इस हाथ में दर्द होता है, कभी टांग में दर्द होता है, कभी गर्दन में दर्द होता है। तो उनका जो मेन कंप्लेंट होता है वो होता है एक दर्द। तो ये दर्द उनको किस टाइप से तंग करता है? कुछ लोग इनको दर्द बोलते हैं कि सर हमें नसों का दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं हमें जोड़ों का दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं हमें मांसपेशियों का दर्द हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं हमें जो हड्डियां हैं उनका दर्द हो रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें जो दर्द है पता नहीं चल रहा है, सर जब दबाते हैं तो आराम आता है और कुछ दबाते हैं तो कुछ आराम नहीं आता। तो कंप्लेंट क्या हुई? सिर्फ दर्द। तो जब डॉक्टर ऐसे पेशेंट्स को देखता है तो हम उसमें क्या चीज़ देखते हैं? दर्द के जो इतने सारे जो जॉइंट्स को या फिर हर बॉडी के पार्ट को दर्द को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ऐसे कौन सी चीज़ें जो उनको तंग कर रहा है? तो ये क्लियर है कि जो उनकी बॉडी है उनमें किसी को भी नॉर्मल आदमी को ऐसे दर्द नहीं होता और इतने टाइम से नहीं रहता। तो किसी आदमी को जरूरत से ज़्यादा ऐसे टाइम से दर्द हो रहा है और उनको कोई फीवर नहीं आ रहा है, कोई चोट नहीं लगी है, और उनके जितने भी गठिया के टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं, और उनके जितने भी बॉडी के जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं उनके जो टेस्ट कराए हैं वो नेगेटिव हैं, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं जो जिसके कारण ऐसे दर्द होते हैं वो नेगेटिव हैं। कई लोगों को कैंसर के कारण पूरी बॉडी में वीकनेस हो जाती है, ऐसा कोई भी टेस्ट पेट स्कैन वेट स्कैन नॉर्मल है, नेगेटिव है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, और उनको किडनी और जो पेट के जो भी सिस्टम होते हैं जिससे पूरी बॉडी को खाना जाता है, जो एब्जॉर्बेशन पार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और लंग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको ऐसी प्रॉब्लम अगर कंटिन्यूसली रह रही है ये सब नेगेटिव करके, जो एक डॉक्टर बहुत सारे क्लिनिकली देखकर कुछ टेस्ट कराकर, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराकर, कुछ उनकी जांचें कराकर ये रूल आउट कर लेता है और उनको पता, ये डायग्नोस कर देते हैं कि इनको फाइब्रोमाइलजिया है। जब प्रॉब्लम आती है कि इनको फाइब्रोमाइलजिया है, जिनको इरिटेशन भी रहती है, चिड़चिड़ापन भी रहता है, और वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं एंटी साइकेट्रिक, मतलब जो कि दवाइयाँ मूड एलिवेटर वाली खा रहे हैं, और नसों को शांत करने वाली दर्द खा रहे हैं, उससे भी आराम नहीं आ रहा है, तो हम उनको बोलते हैं कि आपको फाइब्रोमाइलजिया है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं कि आपको कैसे ठीक होना है? कि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो डायग्नोस करना है सबसे पहले कि सच्ची में ये है या नहीं है। तो इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हम हाथ के डॉक्टर हैं तो हम हाथ की जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको जैसे कंधे से स्टार्ट होती है, शोल्डर से, एल्बो से, और इनमें और दोनों हाथों में अगर दर्द हो रहा है, तो ऐसे लोगों को कभी कभार थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण, जैसे कोरोना के टाइम के बाद काफ़ी लोगों को हाथों में दर्द था, शोल्डर में इधर दर्द रहता था, कुछ लोगों को स्वाइन फ्लू के कारण ऐसा दर्द रहता था, मतलब जो भी ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम है ऐसा इनको दर्द रहता था, और उनको हम कुछ एक्सरसाइज बताते थे उसके कारण वो काफ़ी बेटर और रिलीफ किया, और कुछ मेडिसिन दिया उसके कारण वो ठीक हुए। तो अगर आपको बताया जाए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है तो सबसे पहले डायग्नोस कराना है, फिर ट्रीटमेंट क्या है अगर हाथों की और ये प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर स्पेशलाइज डॉक्टर है उनसे दिखवा कर कि सर जो जो प्रॉब्लम है वो हमारी चेस्ट कर ली, उससे अगर नेगेटिव आ रहा है तो फाइब्रोमाइलजिया का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो फाइब्रोमाइलजिया का ट्रीटमेंट इस टाइप से होता है कि आपको सिर्फ दवाइयाँ तो सिर्फ मूड एलिवेट करने के लिए होती हैं, और दर्द की जो सहन शक्ति है वो सहन शक्ति बढ़ जाए इसलिए होती है, लेकिन वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको योगा करना है, आपको मसाज करनी है, आपको फिजियोथेरेपी करनी है, और सबसे बड़ा रोल जो है कि आपके अपने बोन जो ब्रेन है उसको कंट्रोल कर ये बताना है कि आपको बिजी कैसे रखना है अपने आप को। जो आदमी कोई काम नहीं कर रहा होता और बिजी नहीं होता और फिर उसको सारे टाइम कुछ ना कुछ सोच रहा होता है या फिर अपने दर्द के बारे में जरूरत से ज़्यादा सोच रहा होता है, तो वो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको अपने किसी भी काम में बिजी होना है और डिफरेंट मॉडलिटी काइंड के ट्रीटमेंट लेने हैं। डॉक्टर के थ्रू कुछ मेडिसिन होती हैं जो मूड एलिवेट करती हैं और जो दर्द सहने की शक्ति है उसको बढ़ाने वाली होती हैं वो लेनी होती हैं। दूसरे जो डिसिप्लिन होते हैं, जो मसाज होता है जिससे जो मांसपेशियां होता है उनमें से जो खून का संचार है वो अच्छा हो जाए, उनसे मिलना होता है। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ मशीनें लगा देते हैं, कुछ थेरेपी टेंस थेरेपी दे देते हैं, उससे कुछ लोगों को आराम आता है वो लेना होता है। कुछ लोगों को हम हाइड्रोथेरेपी, पानी में वॉकिंग, इस थेरेपी करते हैं जिससे बॉडी लाइट फील करे, उससे आराम आता है। कुछ लोगों को हम कहते हैं कि आपको योगा और मेडिटेशन इस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, उससे आराम आता है। तो इन वन लाइन, फाइब्रोमाइलजिया एक डिफिकल्ट कंडीशन है, जिनके भी घर में ऐसी प्रॉब्लम है वो लेडीज़ को ज़्यादा होती है और उनको काफ़ी टेंशन भी रहती है, स्ट्रेस भी रहता है, तो उनको किसी टाइप का दवाई तो कंटिन्यूस लेनी ही पड़ेगी। अपनी जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसको फाइट करके, उसको रूल आउट करके अपनी बॉडी से निकालें और आपस में जितने भी लोग हैं उनको समझाएं कि ऐसी प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट काफ़ी लोगों से मिलकर होता है, सिर्फ एक आदमी नहीं करता। और अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड कोई आप प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं और आपको सही राय या जांच नहीं मिल पा रही है, तो आप हमसे मिल सकते हैं, हम आपको मिलके वो चीज़ हेल्प कर सकते हैं। और कोई कमेंट हो तो आप डालें, हम उनका आंसर करें। थैंक यू सो मच।